एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के कुश्ती हॉल में संपन्न हुआ। तहसील दिवस में शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए फरियादियों की फरियाद सुनी गई तथा उसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमितों की जाँच के लिए कोरोना जाँच शिविर भी लगाया गया था। इस संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि समाधान दिवस में भूमि और राजस्व विवाद के मामले सामने आए हैं। इस मौके पर तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, तहसीलदार सुनीता सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, कितना टेस्ट हुआ अब तक? कुछ हुआ? रिपोर्ट अभी दे रहा तुरंत। कुछ आया पॉजिटिव? पॉजिटिव हो तो नहीं, पॉजिटिव नहीं है अभी, नहीं है अभी नहीं। आप लोगों का मैंने दो कुर्सी का इंश्योरेंस करवा दिया है, दो से तीन का मामला शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप तहसील दिवस का पिछले तहसील दिवस से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उसी के मंशा अनुरूप शासनादेश आया था कि ये कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत तहसील दिवस और थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा। खुले में और जहाँ पर ज़्यादा स्पेस हो, सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा इस तहसील दिवस को कराया जाए। तो इसी के क्रम में पिछला तहसील दिवस हमने खुले स्थान महिमा मंडी में करवाया था और आज इस बार का तहसील दिवस बहुत ही खुले जगह पे काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड मानकों का पालन करते हुए आज वीर बहादुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगवाया गया है। इसमें सभी विभागों के अधिकारी आ गए हैं और कई सारे फरियादी अभी तक आए हैं। ज़्यादातर समस्याएँ राजस्व और सीमांकन से संबंधित हैं, उसी के ऊपर कार्यवाही चल रही है। अब चूँकि बिजली विभाग की जो सबसे हड़ताल है, उससे भी शिकायतें आ रही हैं कि कई जगह पर बिजली बाधा है, बिजली आपूर्ति निर्बाधित नहीं हो रही है, बिजली आपूर्ति में बाधा है, तो उसी को शॉर्ट आउट के लिए भी लगे हुए हैं। इसी तरीके की समस्या है। तहसील दिवस में आज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हम भी लगवा रहे हैं।